हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास किस्म की ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर नेम के साथ पैन नंबर लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि हम पैन नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लें या नेम को एक्सट्रैक्ट कर लें, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी पैन नंबर को एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर हम नेम पे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो पैन नंबर लेके आता हूँ। तो पैन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए राम सिंह, ये तो नाम है और यहाँ पे लिखा हुआ है पैन नंबर, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ से पकड़िए और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। ये हो गया, कंट्रोल सी प्रेस किया और अब यहाँ पर कंट्रोल बी प्रेस कर लेता हूँ। हर लाइन में पैन नंबर चाहिए, हर सेल में पैन नंबर चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का पैन नंबर अलग अलग है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट की, आप नीचे रखिए अपने कर्सर को और अब कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके जो भी पैन नंबर थे वो सारे आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं नेम की। तो यहाँ लिख देता हूँ नेम और अब हम नेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो नेम को कर लेते हैं कॉपी। तो ये नेम को हमने कर लिया कॉपी और पहला नेम कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे करा देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो नेम को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो यहाँ पर इसी को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट कर दिया हमने, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा लेता हूँ और अब नीचे वाले सेल में आ जाइए और प्रेस कर दीजिए कंट्रोल ई। तो जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो नेम को और पैन नंबर को दोनों ही को अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये शॉर्टकट की कैसी लगी आपको, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।